हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ में एडमिन स्टाफ की भी वैकेंसी है। पोस्ट वाइज कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है चलिए देख लेते हैं। प्राइमरी, जूनियर और सीनियर विंग के लिए यहाँ पर PGT में फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश ये तीन सब्जेक्ट की वैकेंसी है। मास्टर डिग्री और BEd में आपके 50% मार्क्स यदि हैं तो आप इन सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। TGT में साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, CS, संस्कृत और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी वैकेंसी है। यहाँ पर ग्रेजुएशन और BEd में आपके 50% या उससे अधिक मार्क्स होने चाहिए। साथ में CTET Paper 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। काउंसलर की वैकेंसी है जिसमें BA या BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 1 साल का आपका काउंसलिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। प्राइमरी टीचर्स में 12th ग्रेजुएशन के साथ में प्राइमरी लेवल का डिग्री डिप्लोमा यदि है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ में IT सुपरवाइज़र की है। साइंस लैब अटेंडेंट के लिए 12th पास कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम से आवेदन करेंगे। कंप्यूटर लैब की टेक्निकल की वैकेंसी है। एडमिन स्टाफ की वैकेंसी है। अकाउंट क्लर्क की, प्री प्राइमरी विंग्स की भी वैकेंसी है जहां NTT वाले आवेदन कर सकते हैं, या स्पेशल एजुकेशन में आपने डिप्लोमा डिग्री किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। म्यूज़िक आर्ट टीचर वालों की वैकेंसी है। मदर टीचर की वैकेंसी है। LDC की वैकेंसी है। ये सभी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। आर्मी स्कूल में परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दोनों ही वैकेंसी आती हैं। यदि आप आवेदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है स्कोर कार्ड होना ज़रूरी है जो कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास होने के बाद आपको मिलता है। ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल में जाने के लिए आप लोगों को एक एग्ज़ाम देना होता है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। उसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है, उसके बेस पर आप डायरेक्ट इंटरव्यू देने चले जाएँ। आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में है ये, और उसके बाद ही जो है सिलेक्शन होता है। जिन कैंडिडेट ने अभी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं दिया है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की, इस पर आपको आना है। और अभी जो है आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। 10 सितंबर से 25 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं। एग्ज़ाम जो है 23-24 नवंबर 2024 का है। अगर आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देना चाहते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, सैलरी काफ़ी अच्छी जो है इसमें मिलती है। ठीक है, परमानेंट भी आती है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर तो वैकेंसी आती ही है। तो ये काफ़ी जो है अच्छा चांस है। आपके पास ये स्कोर कार्ड ज़रूर होना चाहिए। स्टेट वाइज जो है वैकेंसी निकलती ही रहती है। बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए हैं। अपने ही स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं जब भी वैकेंसी आती है। ठीक है, दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ, कई कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद क्या फिर से एग्ज़ाम होगा। तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपने पास कर लिया, आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाता है। उसके बाद जब भी आपके राज्य में वैकेंसी आती है आर्मी स्कूल की, या फिर आप दूसरे राज्य में करना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। स्कोर कार्ड के बेस पर आप लोग जा सकते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए। केवल इंटरव्यू के बेस पर फिर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, कई कैंडिडेट जो हैं कह रहे थे ये फॉर्म भरने से पहले क्या CTET क्लियर होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। CTET अगर आपका क्लियर नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आप CTET क्लियर कर सकते हैं। आई होप सारी जो है जो कन्फ्यूज़न था, जो मैंने एक वीडियो बनाया था ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के फॉर्म जब स्टार्ट हो गए हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए, तो बहुत सारी कैंडिडेट के क्वेश्चन थे। अगर कोई और भी डाउट है तो बिल्कुल इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जो है अपना डाउट ज़रूर लिखें, बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। वैकेंसी जो है आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश से है। जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो है क्वालिफ़िकेशन एज वगैरह नहीं दी है। AWES की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके क्वालिफ़िकेशन चेक कर सकते हैं पोस्ट वाइज। अब जो है यहाँ पर देख लें कैसे अप्लाई करना है। तो डिमांड ड्राफ्ट 250 रुपीज़ का बनेगा आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़
के नाम से, और आप लोगों को 3 अक्टूबर 2024 से पहले जो है भेजना है। केवल हार्ड कॉपी आप लोग भेज सकते हैं, यानी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके 250 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट की रिसिप्ट आपको उसमें लगानी है, और या तो स्कूल में जाकर आप सबमिट करवा सकते हैं या बाय पोस्ट भेज सकते हैं। ईमेल के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू क्या रहेगा? 2nd week of October 2024। ठीक है, इन्होंने बता दिया है अक्टूबर माह में ही आपका इंटरव्यू होगा। तो मैंने आपको बताया कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और भी आर्मी पब्लिक स्कूल की किसी भी स्टेट की वैकेंसी आती है, बिल्कुल आप लोगों को बताई जाएगी। सैलरी आर्मी पब्लिक स्कूल में बहुत ही अच्छी दी जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।